Hello everyone, welcome to my channel. So today we have Afrin with us. So we will be discussing about everything about C-Minds department of IIT Bombay, and you will get to know everything, the admission process, what are the course projects and criteria and all these things, what is the placements of this department and which papers are eligible for this department. You will get to know everything, so please watch the video till last. And Afrin, please briefly introduce yourself. Sure. So, hi everyone. I had secured an All India rank 512 in GATE 2022, after which I applied here and I secured admission for MS at C-Minds, which is Center for Machine Intelligence and Data Science at IIT Bombay. So Afrin, after getting the rank, it's very good rank. And why have you chosen C-Minds department and not CSE department of other IITs? So, मेरा goal research था, and मैं जब gate के लिए prepare कर रही थी तो मुझे idea नहीं था कि MS भी होता है. तो जब मैं admissions के लिए apply करना चालू किया तो there were some प्लेसेस जहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि एमएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तब पता चला तो थोड़ा रिसर्च किया, एंड देन मतलब इट इंक्लाइन टू माय गोल्स ऑफ डूइंग रिसर्च. तो मैंने सीएससी और सीमेंट्स जहाँ पे भी ऑफर था वहाँ पे सब जगह अप्लाई किया था. ओके, सो कैन यू प्लीज इलाबोरेट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द सीमेंट्स डिपार्टमेंट, बिकॉज दिस ईयर आई थिंक गेट डीए फ्रॉम गेट डीए पेपर वर गिविंग they will be appearing for this department of IIT Bombay. Yes. So it will be helpful for them also. C-Minds admission के लिए सारे gate papers का scores are eligible. There's a minimum score criteria. लाइक हमारे टाइम पे 650 था, तो इफ़ योर स्कोर इज़ अबव 650 यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. एंड फिर उसके बाद एक टू स्टेप प्रोसीजर रहता है जहाँ पे एक रिटन टेस्ट लिखना पड़ता है. रिटन टेस्ट इज़ ऑनलाइन एंड इट्स एम सी क्यू बेस्ड टेस्ट विथ नो नेगेटिव मार्किंग्स. तो पेपर का कंटेंट इज़ मोस्टली सब्जेक्ट्स लाइक अल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस. हाँ, तो मेजरली ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं. एंड इसका अगर रिसोर्सेस चाहिए रहेगा तो जब MS के लिए अप्लाई करोगे तो MScS का जो है उसके लिए एक डिटेल लिस्ट आता है विथ बुक्स टू रेफ़र एंड कौन से चैप्टर्स पढ़ने, इतना डिटेल में आता है. तो वो भी रेफ़र कर सकते हैं. एंड या दैट्स प्रीटी मच. एंड गेट का पेपर के लिए जो प्रिपेयर किया था दैट्स ऑल्सो सफिशिएंट फॉर गिविंग दिस रिटन टेस्ट. तो डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, गेट से ऊपर या थोड़ा मतलब उसके जैसे? सो गेट से इजी क्वेश्चन आता है क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है और बाकी डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. तो गेट सी एस से इजी रहेंगे. मे बी फॉर अदर डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स इट माइट बी अ बिट डिफिकल्ट, बट एंड फिर रिटन टेस्ट का एक बार रिजल्ट आ जाता है तो सम स्टूडेंट्स गेट शॉर्टलिस्टेड और फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है एंड फिर फर्दर शॉर्टलिस्टिंग हैपेंस. तो पूरा पैनल बैठता है एंड प्रॉप्स लोग इंटरव्यू लेते हैं. सो ओनली एक दो प्रोफेसर्स रहेंगे एंड वो मतलब ऐसे बेसिक AIML रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर तुमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या किया था, या फिर इनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो क्या किया था. एंड देन मे बी जो टेस्ट था उसमें से कोई एक दो क्वेश्चंस पूछेंगे. तो अच्छा, तो अभी मतलब गेट के बाद ये सब सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते रहो, मतलब एकदम रैंक आ गया इसके लिए ये सब सब्जेक्ट्स मत छोड़ो. इंटरव्यू बहुत सारे आईआईटीज में इंटरव्यूज होगा तो उसमें काम आएगा. तो सीएससी में जैसा हमारे एमटेक, एमएस, टीएआरए चार डिवीजन है, तो सीमाइंस में कितना सारा डिवीजन है? तो सीमाइंस में वी हैव टीए कैटेगरी एंड आरए, आरएपी कैटेगरी. तो जो टीए है वो कोर्स टीए भी हो सकते हैं या फिर सिसाइड भी हो सकते हैं. एंड आरए कैटेगरी इज वेयर पीपल गेट एडमिशन थ्रू प्रोजेक्ट. तो उनका मतलब टीए कैटेगरी में नहीं होगा, उनका आरी में होगा. तो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रहेगा जिसके लिए दिल के हायर्ड ऐसा है. और कितने लोगों के मतलब कितने स्टूडेंट्स टीए में आते हैं और कितने स्टूडेंट्स आरी में आते हैं, मतलब ऐसे कुछ है? सो जनरली मतलब टीए का एडमिशन ज़्यादा होता है आरे से. एंड आरे का क्राइटेरिया ये रहता है कि मेजरली इस पर डिपेंड करता है कि कितने
प्रोफेसर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं एंड कितने लोग हैं जो फाइनली गेट सिलेक्टेड, क्योंकि पूरा जो प्रोसीजर होता है आर ए एडमिशन का वो जो पी आई रहता है प्रोजेक्ट का उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो तुमने आर ए क्यों लिया और टी ए क्यों नहीं लिया सीमाइंस में? सो जनरली प्रोसीजर ये होता है कि रिटर्न टेस्ट देते हैं, रिटर्न टेस्ट इज फॉर टी ए आर ए बोथ कैटेगरीज एंड फिर एक बार वो रिटर्न टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगा तो दे लाइक टी इंटरव्यू स्टार्ट होता है एंड फिर उसके बाद एक गूगल फॉर्म फ्लोट होता है तो वो गूगल फॉर्म में प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैं देख रही थी ऐसे कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स से देख लेते हैं तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगे एंड फिर मैंने अप्लाई करने का सोचा तो वही तो हो गया। एंड फिर एक और चीज़ है कि अगर आर ए पी के लिए अप्लाई करते हो तो अगर यू गेट एडमिशन वाया आर ए पी तो तुम्हारा टी ए शिप अगर मिलता नहीं मिलता वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अच्छा, मतलब आर ए को इधर अपर एज दिया जाता है। तो फिर आर ए को मतलब ऐसे अपर एज क्यों दिया जाता है? मतलब टी ए अगर हो भी रहा है तो कैंसिल करके आर ए में ट्रांसफ़र होता है ना? सो आर ए होने का एक एडवांटेज है कि डायरेक्टली रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं बिकॉज ऑल द टाइम यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। तो वो एक एडवांटेज होता है, मतलब मुझे अगर कोई और काम भी करना पड़ेगा तो वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा, भले ही मतलब डेवलपमेंट का काम हो या फिर सिंपल एक कोड लिखना हो या फिर ऐसे कुछ, तो मतलब प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ता है। तो दैट वे लाइक स्किल्स बेटर, यू कैन लाइक यू गेट टू लर्न मोर थिंग्स। मतलब टी ए के भी एडवांटेज होते हैं बट हाँ ये एक है एडवांटेज आ रही होने का। अच्छा। और एडिशनली लाइक स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है। कितना ज़्यादा? सो इट्स 1,000 मोर देन व्हाट टी एस गेट एंड हर एक साल के साथ इंक्रीमेंट होता है। ओके, हमारे तो कोई इंक्रीमेंट वगैरह नहीं होता तो मतलब पूरा 22 मंथ्स सेमी सैलरी मिलता है। सैलरी तो नहीं बोलेंगे स्टाइपेंड। बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि एमटेक जैसे पूरा 2 साल का कोर्स है तो सीमाइंस का कोर्स जो ऑफर होता है टीए और आरए एमएस वाला, तो उसमें मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है? सो आरएपी के लिए इट इज़ फिक्स्ड, 3 साल फिक्स्ड होता है। ओके, तो तुम 3 साल में ही ग्रेजुएट हो गए। और एमएस टीए के लिए जैसे एमएस सीएससी का भी है there's a flexibility but I think MSTA के लिए 2-3 years ऐसा कुछ है। हाँ, नहीं हमारे भी ऐसे ही है कि 1.5 year to 3 year। तो MS Siemens के लिए भी लाइक TA कैटेगरी के लिए इट इज़ लाइक दैट कि 1.5 to 3 years में ग्रेजुएट हो सकते हैं एंड लाइक योर ग्रेजुएशन विल मेजरली डिपेंड ऑन तुमने थीसिस कब स्टार्ट किया और तुम्हारा थीसिस कब ख़त्म हो रहा है एंड अगर तुमने गुड अमाउंट ऑफ वर्क किया है तो एडवाइजर से परमिशन मांग के कभी भी ग्रेजुएट हो सकते हो। ओके, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इधर से डायरेक्ट पीएचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम लोगों को एमएस को? हाँ, तो उसका भी लाइक इंस्टीट्यूट के रूल्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। 2022 में जिसमें तुम गेट दिए थे, मतलब हम लोग गेट दिए थे, तो उसमें लास्ट क्लोजिंग स्कोर क्या था सीमाइंस डिपार्टमेंट में? 650 था। ओके, तो मतलब एंड कितना, मतलब लोएस्ट कितने रैंक्स तक या स्कोर तक एलिजिबल था फॉर रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यूज? हाँ, तो मतलब गेट के स्कोर पे रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है एंड फिर रिटन टेस्ट के स्कोर पे इंटरव्यू का डिसाइड होता है। तो कट ऑफ क्या था फॉर द सीमाइंस डिपार्टमेंट? सो हर एक एनी गेट पेपर 650 मिनिमम स्कोर, सो इफ यू हैव मोर देन दैट यू आर एलिजिबल। ओके, अगर एलिजिबल हो तो अप्लाई कर देना चाहिए, दैट्स व्हाट आई फील। बट एमटेक के एडमिशंस डायरेक्टली होते हैं तो वहाँ पे क्लोजिंग रैंक मैटर्स क्योंकि लाइक बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टार्ट्स कुछ पता चलता है। बट एमएस के कोर्स में कैसा है कि इट्स नॉट रेलिवेंट क्योंकि स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग। हाँ, एंड इट्स लाइक कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द रिटन टेस्ट, तुम्हारा रिटन टेस्ट कैसे जा रहा है उस पर मेजरली एडमिशन डिपेंड करेगा एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू भी है। तो इट्स लाइक कि अगर तुम्हारा रैंक बहुत बहुत गंदा है फिर भी तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारा सब इंटरव्यू एंड एवरीथिंग अच्छा जा रहा है बिकॉज मे बी यू हैव एक्सपीरियंस और समथिंग, तो फिर एडमिशन हो ही सकता है। हाँ, इट्स लाइक दैट। इस बार तो गेट डी ए पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो सीमेंट्स तो आई थिंक लेगा डी ए से।
तो कॉन्सिक्वेंस से गेट पेपर से सीमाइंस डिपार्टमेंट तुम एलिजिबल हो बैठने के लिए या एडमिशन प्रोसेस के लिए. सो सारे गेट पेपर देने वाले एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है. ओके तो डीएसए तो ऑब्वियसली होगा ही. ओके एंड तो व्हाट इज द कोर्स करिकुलम ऑफ दिस डिपार्टमेंट लाइक हाउ मेनी कोर्सेज यू हैव टू टेक इन दिस टू इयर्स और थ्री इयर्स व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स एंड ड्यूरेशंस. सो नंबर ऑफ कोर्सेज इज मोर देन MScSE. सो MScSE के लिए 5 कोर्सेज रहते हैं एंड नंबर ऑफ कोर्सेज सेम एज एमटेक एनी एमटेक प्रोग्राम. सो आई थिंक तुम्हें 9 कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं. तो हमारा भी वैसे ही है. 5 सॉफ्ट कोर है. देर इज लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटिंग कोर, ऑप्टिमाइजेशन एंड AIML कोर. तो ये 5 में बकेट्स रहेंगे हर एक के लिए और यू कैन चूज एनी कोर्स यू वांट एंड यू कैन लाइक डू दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 4 डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स रहते हैं. तो वो अगेन बकेट्स रहते हैं. तुम्हें जिसमें भी स्पेशलाइज करना है तुम वो पिक कर सकते हो. और फिर उसके अलावा देर इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, देर इज़ सेमिनार, R&D एंड फिर थीसिस रहता है. तो थीसिस इज अनग्रेडेड बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि एक्सटर्नली इवेल्युएट होता है. तो सो ये पूरा कोर्स करिकुलम है. एंड थीसिस का बेसिकली सो सेमिनार और R&D कोर्स जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में कंपल्सरी है. तो वो एक बार लेते हैं तो वहाँ से थीसिस चालू हो जाता है. जनरली जो टॉपिक लिया है तो वही कंटिन्यू होता है. एंड आई थिंक MScSE माइंस का यही एडवांटेज है ओवर MScS की अगर कोई स्क्रैच से AIML सीखना चाहता है तो मतलब जो कोर्स करिकुलम है ऐसा है कि सब चीज़ें कवर हो रही है. स्टार्टिंग फ्रॉम LA प्रोबेबिलिटी. सो लाइक मैथ्स तुम्हारा अच्छा हो रहा है फिर बेसिक स्ट्रांग होगा तो और भी अच्छा होगा. एंड ऊपर से जो इलेक्टिव्स लेने पड़ते हैं उसके चलते अगर तुम्हें किसी स्पेसिफिक इसमें स्पेशलाइज करना होगा जैसे NLP हो गया तो फिर तुम NLP के कोर्सेज लेके मतलब वही अपना एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो. ओके मेनी स्टूडेंट्स आस्क दैट कि इज सीमाइंस डिपार्टमेंट रिसर्च ओरिएंटेड और प्लेसमेंट भी हो जाता है. मतलब क्या बोलते हो कि प्लेस पूरा रिसर्च ओरिएंटेड है क्या डिपार्टमेंट. सो इट्स मिक्स. लाइक अगर तुम सीमाइंस के वेबसाइट पे जाओगे तो इट्स ऑल्सो मेंशन देयर कि मतलब ये कोर्सेस और ये करिकुलम फॉलो करने के बाद यू ही बी रेडी टू जॉइन इंडस्ट्री इधर फॉर लाइक रोल्स लाइक एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट से लेके रिसर्च इंजीनियर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो. एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट इंडस्ट्री में नहीं है बट रिसर्च में है तो लाइक बिकॉज ऑफ द कोर्स लाइक ग्रेजुएशन होगा उसमें आएगा MScSE रिसर्च. सो इट विल हेल्प फॉर PhD एज वेल. सो अगर सो इट्स लाइक इंडस्ट्री प्लस रिसर्च. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि इस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट्स कैसा होता है एंड AI कंपनी आते भी है नहीं डेटा साइंटिस्ट रोल वगैरह. तो मतलब IIT बॉम्बे में कैसे सीमेंट्स डिपार्टमेंट एक्सपोज करता है फॉर प्लेसमेंट्स कुछ बता सकते हो. सो हम लोग फर्स्ट बैच के तो ऐसे ऑफिशियल स्टार्ट्स तो नहीं है कि प्लेसमेंट कैसा होगा बट एज फार एज वी नो कि ये साल जो प्लेसमेंट हुआ था तो जितने भी ऑफर्स आए थे फॉर MTech MScS रिलेटेड टू AIML एंड कुछ सॉफ्टवेयर रोल्स भी थे जो सीमेंट के लिए भी ओपन थे तो पीपल कैन अप्लाई. तो इक्विवेलेंट चांस तो मिलेगा. अभी स्टूडेंट्स के ऊपर है वो कितना अच्छे इंटरव्यूज या OS वगैरह क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. एंड इंटर्नशिप अलाउड है क्या क्योंकि IIT बॉम्बे में CS में अभी तक MTech CS में अभी तक पूरी अलाउड नहीं है. तो सीमेंट्स का क्या है अभी. तो इसके बारे में बातें तो चल रही है. तो आई मीन इवन इन द इंस्टीट्यूट देयर टॉक्स गोइंग ऑन अबाउट अलाउइंग इंटर्नशिप. तो मे बी विद टाइम ये होगा. एंड ऑल्सो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इट मेजरली डिपेंड्स कि तुम्हारे गाइड कौन है एंड वेदर दे विल अलाउ और नॉट. तो तुम लाइक गाइड डिसाइड होने के बाद उनसे बात करके देख सकते हो. हाँ क्योंकि अगर गाइड अलाउ कर देंगे तो तुम समर या विंटर में इंटर्नशिप कर सकते हो. ओके
So lastly means how is your experience till now in IIT Bombay C Mines department? मेरा गोल पहले से ही था कि मतलब मुझे रिसर्च करना है, फाइनली PhD करना है. तो मैं तो बहुत खुश थी कि मतलब ये डिपार्टमेंट खुला है, ये नया डिग्री ऑफर कर रहा है. तो बहुत सही लगा था. एंड आफ्टर कमिंग हियर आई रियलाइज कि मतलब इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग मी अचीव दैट. तो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था मे बी 75 होगा, तो अभी वो कंप्लीट 100% हो गया है. तो दैट्स हाँ. तो मतलब मेजरली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि IIT बॉम्बे में एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला. मतलब अगर तुम किसी AIML के किसी स्पेसिफिक डोमेन का नाम लोगे तो उसके लिए ऑलरेडी देर विल बी सम प्रोफेसर हु इज़ ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इन दैट. तो लाइक NLP ले लो, स्पीच ले लो, जनरल AIML ले लो, CV ले लो, RL एंड देन ग्राफ, IR, सो देयर इज दिस थिंग दैट जनरली पीपल रेकमेंड अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ISC बैंगलोर जाओ इंस्टेड ऑफ कमिंग टू IIT. हां, ये तो मैं भी सुना. तो मुझे ऐसा लगता है कि AIML में AIML के लिए स्पेसिफिकली IIT बॉम्बे इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट वी गेट हियर. हाँ, तो मैं यूट्यूब चैनल में मेरा पोस्ट डाला था कि कौन से जनरल क्वेश्चंस है अगर सीमेंट्स डिपार्टमेंट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मेनली मेजर क्वेश्चंस ये है कि एडमिशन प्रोसेस एंड स्पेशलाइजेशंस कौन सा ऑफर होता है ये डिपार्टमेंट में. और ये क्वेश्चंस पहले ही आई थिंक आपने बोल दिया कि एडमिशन प्रोसेस पूरा अच्छे से बोल दिया. और स्पेशलाइजेशंस तो MST एंड MSRA होता है ना. ओके, एंड फिर से सेम क्वेश्चंस एडमिशंस एंड इंटरव्यूज. अनदर क्वेश्चन इज विल एमी गेट पेपर एलिजिबल फॉर द एडमिशंस इन दिस डिपार्टमेंट इन मैकेनिकल पेपर. हाँ, सो लाइक आई मेंशन अर्लियर कि सारे गेट के कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर सीमेंट. एंड सेम कट ऑफ रहता है ना सारे, मतलब सारे गेट्स पेपर का, ऐसा नहीं कि इस गेट पेपर का अलग कट ऑफ है. हाँ, सेम रहता है. ओके, someone has said that DA gate aspirants will get some advantage, I guess. So what's your opinion on that? So मैंने DA paper का syllabus देखा था. And जैसे मैंने mention किया था कि written test के लिए जो subjects आते हैं, all those subjects are in that paper. Yeah. So अगर कोई DA paper is the second paper दे रहा है या फिर even primary or secondary, doesn't matter. But if they are giving it, तो उनका मतलब already वो subjects capability and your guides and your performance, right? और IIT बॉम्बे सी माइंड्स का जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वो ट्रैक रखना. मतलब उसमें सब कुछ एडमिशन प्रोसेस डिटेल्स सब कुछ आएगा, उसमें पोस्ट होगा, ऑफिशियल वेबसाइट है. तो वो फॉरवर्ड मत करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो देखना कि लास्ट डेट सब वगैरह चला गया है, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि AI डिपार्टमेंट में जाना है. तो थैंक यू अफ्रेंड फॉर गिविंग योर टाइम. And please subscribe my channel and share this video to the other friends who are giving the gate DA paper and all these papers who are preparing for IIT Bombay Cement department. So thank you. And if you have any queries, you can comment here. We will resolve your doubts and you can also reach out to us.